एवरीवन, क्या हालचाल है आप सबके। होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी हम लोग जा रहे हैं स्ट्रैटफोर्ड। सैटरडे का दिन है, लॉन्ग वीकेंड है, तो हमें थोड़ी बहुत चीज़ें भी लेनी थी वेस्टफील्ड से, वो ले लेंगे और थोड़ा सा स्ट्रैटफोर्ड को एक्सप्लोर करेंगे। तो मैंने सोचा कैमरा उठा के सबसे पहले आप लोगों को इंट्रो दे दूँ। और प्लान है मेरा कि मैं आज पूरा दिन शूट कर सकूँ। आई डोंट नो मैं कर पाऊँगी या नहीं, लेट्स सी हाउ इट गोज। क्या ले रहा है? चले जी, दिस इज़ वॉट आई एम वेयरिंग। और ये अब पाकिस्तान से मेरे कपड़े आ गए, सो आई एम रियली हैप्पी, क्योंकि अब मौसम भी ऐसा है कि पहन सकते हैं। तो ये एक बहुत प्यारा सा टू पीस, वैसे भी आजकल टू पीस बहुत ज़्यादा इन है, तो ये बहुत प्यारा सा टू पीस है जो खाड़ी का है और साथ मेरे पुराने खुद से मैच हो गए तो मैंने निकाल लिए। और साथ में हिजाब भी मैच हो गया, घर पर रखा रखा था तो वो। और मुझे बिल्कुल भी शौक़ नहीं है इयररिंग्स पहनने का, लेकिन मेरे हस्बैंड को पसंद है तो मैंने ये भी पहन लिए हैं। एंड आई एम रेडी टू गो। बस अभी अभी हम निकल रहे हैं, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हो गई हैं, बैग वैग रेडी है, बस ताला लगने वाला है, तो बस चलें। चलो तो हम आ चुके हैं स्ट्रैटफोर्ड वाले वेस्टफील्ड, और एज यूजुअल एज एक्सपेक्टेड बेतहाशा रश है क्योंकि आज सैटरडे है और लॉन्ग वीकेंड भी है, तो कुछ समझ नहीं आ रहा। रश में शॉपिंग नहीं होती, बट कुछ चीज़ें ज़रूरत की लेनी है तो वो तो ले ही लेंगे। कुछ चीज़ें ले लें, फिर उसके बाद आपको बताते हैं कि आगे क्या करना है। आई थिंक फर्स्ट स्टॉप हमारे एडिडास है, हमें एडिडास पे एक काम है तो पहले वहाँ जाएंगे। ले लो, अगर 40 का हो जाएगा तो देख लो यार, अगर आपको चाहिए तो देख लो, ले लो। ब्रांड तो अच्छा है, टॉमी हिल्फिगर। सेल भी लगी हुई है। सच अ प्रिटी ड्रेस। अपडेट ये है कि हमने जो जो सामान लेने थे वो ले लिए हैं और अब हम बाहर जा रहे हैं। खाने का कुछ डिसाइड नहीं हो पा रहा कि क्या खाएं। लेट्स सी, शायद अल्फर्ट जाएंगे और वहाँ से चाट खाएंगे। मेरा चाट खाने का बहुत दिल चाह रहा है, आप लोगों को दिखा देती हूँ। वैसे यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं और देसी खाना भी काफ़ी मिलता है। जो चीज़ें चाहिए थी वो हमने ले ली थी खाड़ी पे, तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा क्योंकि सब बहुत ओल्ड स्टॉक था। जो पाकिस्तान में 3-4 साल पहले फैशन था वो यहाँ पर आया हुआ था। बस यहाँ से फ्री होके हम लोग इल्फर्ट जा रहे थे। इल्फर्ट लंदन में एक देसी एरिया है और यहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा रहती है, तो यहाँ पे इस तरह की थोड़ी बहुत चीज़ें मिल जाती हैं। मिठाई हो गई, चाट वगैरह हो गए, वो सब यहाँ पे इजीली मिल जाता है। तो एक शॉप है, इसका हमने बहुत तारीफ़ें सुनी हुई थी, लाहौरी कुल्फ़ा, तो हमने सोचा चलें आज इसकी चाट ट्राई करते हैं। अच्छी बात ये थी कि इस शॉप पे सब कुछ बहुत फ्रेश था, और देख लें बस चाट के नाम पे यहाँ पे यही मिलता है। बहुत हेल्दी चाट होती है, इसमें बिल्कुल भी वो कराची स्ट्रीट स्टाइल वाली बात नहीं होती। चाट में पाकिस्तानी कराची स्टाइल तो नहीं था, लेकिन बहुत मज़े की थी, बहुत फ्रेश थी और क्रेविंग मिटाने के लिए अच्छी थी। बड़ा वेयर्ड लगता है मुझे ऐसी साफ़ सुथरी अच्छे छोटे छोटे से क्यूट क्यूट से कैफ़े टाइप जगहों पे चाट खाना, मगर यहाँ पे ऐसे ही मिलता है क्योंकि यहाँ पे थोड़े रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं।
काफ़ी अच्छी क्वांटिटी हम दोनों ने शेयर करी। और उसके बाद फिर हम लोग चले गए थे फ्रेंजोस। फ्रेंजोस एक चिकन फ्रेंचाइज़ है जो इल्फर्ट के ऊपर है और बहुत फेमस है। बेसिकली ये नैंडोज़ स्टाइल चिकन बनाते हैं, बट टू बी ऑनेस्ट मैंने नैंडोज़ भी यहाँ पे ट्राई किया है, मुझे ये ज़्यादा मज़े की लगती है। इसके फ्लेवर्स वगैरह हमारे पाकिस्तानी स्टाइल के हैं। इनके सॉस बहुत मज़े के होते हैं, बहुत देसी तड़का होता है इसमें। तो हमने डील ले ली थी जिसमें एक एक बर्गर था, एक पूरी चिकन थी, दो फ्राइज थे और चार विंग्स थे। ये बहुत ज़्यादा था, हमारा ऑलरेडी पेट आधा भर चुका था चाट से, लेकिन ये हम जहाँ जब भी हम आते हैं तो हम यही वाली डील लेते हैं, तो ये डील रीजनेबल है। दूसरा, हमें ये चिकन बहुत पसंद है तो फिर हम चिकन पार्सल करा के घर ले जाते हैं। बाद में आप इस चिकन को किसी भी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। हस्बैंड तो ऐसे ही खाना प्रेफर करते हैं, मैं राइस वगैरह के साथ ले लेती हूँ। और वही हुआ एज एक्सपेक्टेड, हमने सिर्फ एक एक बर्गर खाया था और साथ में एक फ्राइज, पूरी एक चिकन और एक पूरे फ्राइज बच गए थे। हाँ, चार विंग्स भी थे, वो हस्बैंड ने खाए थे और हमारा अच्छा खासा पेट भर गया था। बस इसको खा के हम लोग फिर घर चले गए थे। काफ़ी मज़ेदार दिन रहा और काफ़ी फुलफिलिंग भी रहा। अगर आप लोग लंदन आए या लंदन में रहते हैं और अभी तक आप लोगों ने फ्रेंजोस नहीं ट्राई किया तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मज़े की चिकन है। हेलो एवरीवन, हाँ जी, तो कल लास्ट क्लिप जो मैंने आप लोगों से शेयर की थी वो यही थी कि हम लोग फ्रेंजोस में चिकन खा रहे थे और उसके बाद फिर काफ़ी लेट हो गया था, हम घर आ गए थे। घर आके थोड़ा बहुत बस समेटम समोटी करके चेंज करके मैं सो गई थी और अब ये नेक्स्ट डे है और मैं सुबह उठ गई हूँ, उठ के फ्रेश हो गई हूँ और एक्चुअली उठ के घर के सारे काम वाम करके अब मैं फ्रेश हुई हूँ। दोपहर का टाइम हो रहा है और नहाने के बाद मैंने सोचा कि मैं कैमरा उठा लूँ और आप लोगों से बात कर लूँ, क्योंकि कल प्रॉपर्ली एंड नहीं हो पाया था, मैंने एंड ही करनी थी वीडियो, लेकिन अब एक पार्सल आ गया है मेरा तो मैंने सोचा ये मैं आप लोगों से शेयर कर दूँ। एक्चुअली हम लोगों ने कुछ चीज़ मंगाई थी, काम की चीज़ ही है और ये रहे मेरे ग्लासेस। अल्लाह, मैं कब से इन्हें ढूंढ रही थी, चलो मिल गए, ठीक है। अच्छा, ये आया है तो उसको ओपन करके देख लेते हैं। मेरे जो आई थिंक दिस विल बी इनफ, हाँ, हमारा जो फ्रिज है ना उसकी एक साइड ट्रे जो है वो, मैं इसको एक मिनट खोल लेती हूँ। साइड ट्रे है ना वो किचन की टूट गई है, तो हमने वो ऑर्डर करके मंगाई थी, क्रैक हो गई है और उसमें हम कुछ सही से सामान रख नहीं पा रहे हैं। और हमारी जो दूध की बॉटल है, मिल्क बॉटल है, वो उसी में रखी जाती है। वैसे ही फ्रिज छोटा है, जगह नहीं है, तो ये काफ़ी ज़रूरी चीज़ थी। एक मिनट मैं इसको खोल के दिखाती हूँ। इन्होंने इतनी बड़ी पैकेजिंग करके इतनी सी चीज़ भेजी है। ओके, सो ये है, ये इतनी सी चीज़ आने के लिए इतना इन्होंने। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने आसपास वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दें, आप लोगों का एक एक लाइक हमारे लिए बहुत मैटर करता है। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा मेरा आज का व्लॉग। और बस मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।